आज का वीडियो होने वाला है सबसे जबरदस्त, बेहतरीन और धमाकेदार, क्योंकि आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बोट स्टोन ग्रेनेड। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे वीडियो को जाके एंड तक देखना और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना। तो अभी मैं वापस शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो से, तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास है अभी बोट का स्टोन ग्रेनेड। इसको मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। इसका अगर बॉक्स का क्वालिटी देखे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ये जो खतरों के खिलाड़ी वाला इन्होंने जो यहाँ पे दे चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोट का ब्रांडिंग प्लग इन टू निर्वाणा यहाँ पे लिखा हुआ है। इनका स्लोगन ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, इट्स बुम्बास्टिक, क्योंकि इन्होंने इसका नाम दिया है बोट स्टोन ग्रेनेड। ये जो मुझे स्पीकर जो लग रहा है, ये एक्चुअल इसका जो लुक है वो ग्रेनेड जैसा ही लग रहा है। बाद में ये है 5 वोल्ट का मोनो स्पीकर। मैं आपको पहले ही बताऊंगा, ये 5 वोल्ट का मोनो स्पीकर है, ये स्टीरियो स्पीकर नहीं है। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मोनो स्पीकर और स्टीरियो स्पीकर में अगर आप करने जाओगे तो बहुत डिफरेंस होता है। मोनो में सिर्फ वन साइड स्पीकर आता है और स्टीरियो में बोथ ऑफ साइड स्पीकर आता है। तो यहाँ पे लिखा है IP6 वाटर एंड शॉक रेसिस्टेंस, रग डिज़ाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके अंदर है 1200 mAh की ली पॉलीमर बैटरी। अगर आप इसको चार्ज करते हो तो ये चार्ज करने के बाद 7 घंटे तक आपका ये चलने वाला है। इसके अंदर आता है ऑक्स केबल और माइक्रो XD कंपेटिबल है ये है, बाकी तो इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर बैक साइड देखें तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ये इनकी कंपनी कहा कि ये, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने बोट का जो प्रोडक्ट पहले भी अनबॉक्सिंग किया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि बोट अपना ब्रांड इंडियन मैन्युफैक्चरर में ही करता है। इसके अगर पैकेजिंग कंटेंट्स देखें तो पैकेजिंग कंटेंट्स में स्टोन ग्रेनेड स्पीकर इसके अंदर आने वाला है। इसके अंदर है माइक्रो USB केबल, 3.5 mm का ऑडियो केबल आता है इसके अंदर, यूज़र मैनुअल आएगा, वारंटी कार्ड आएगा और उसके अंदर आता है कैटलॉग। अगर आपको बोट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर विजिट करना है तो यहाँ पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, बाकी तो कुछ नहीं। तो अभी फटाफट से इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो चलो अभी करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। तो अभी आप देख सकते हैं ये बहुत बेहतरीन लग रहा है बॉक्स के अंदर। सच में यार अगर इसको बात करें तो हाथ में पकड़ने के समय पे ये एक्चुअली ग्रेनेड जैसा लग रहा है। तो इधर की निकालो और फेंक दो जहां पे आपको फेंकना है वहां पे, सॉरी जोक्स अपार्ट। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, दिखने में काफ़ी अच्छा और सेक्सी और प्रीमियम जैसा लुक है इसमें। इसके अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे इन्होंने बोट का अच्छी तरह से ब्रांडिंग दिया हुआ है। ये वाटरप्रूफ भी है। वाटरप्रूफ का मतलब ये नहीं होता कि आप इसको पानी में डाल के 5-10 मिनट तक रख दो। अगर इमीजिएटली आपके हाथ से अगर कहाँ पे पानी में ड्रॉप हो जाता है तो पानी में ड्रॉप होने के बाद विद इन अ मिनट के अंदर इसको निकाल लेना तो आपके स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात करेंगे तो यहाँ पे जो नीचे इन्होंने माइक्रो SD कंपेटिबल का यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है, ऑक्स केबल का ऑप्शन है और ऑफ कोर्स चार्जिंग का यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिल चुका है। इसको मैं रख देता हूँ अभी साइड में। इसके अंदर आता है एक ऑक्स केबल 3.5 mm का, इसको भी रख देता हूँ साइड में। सेम एज अ ब्रोशर जो एवरी टाइम इनके हर एक प्रोडक्ट में आते रहता है जहाँ पे ये लोग अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करते हैं। तो मैं आपको इस कुछ इस तरह से आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो। देन वापस इसको रख देता हूँ साइड में, अभी तो ये कुछ काम का नहीं है। सेकंड इसके अंदर आता है ये वारंटी कार्ड। तो इसके बाद में आता है ये बोट स्टोन ग्रेनेड का ब्रोशर। इसके अंदर पूरी डिटेलिंग, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और सब कुछ दिया हुआ है। प्रिकॉशंस भी दिए हुए इसके अंदर कि ये पानी में ज़्यादा डालो मत या ज़्यादा देर तक इसको चार्ज ना करें। इसका चार्जिंग टाइम आपको ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स रखना है। अगर आप 7-8 घंटे तक इसको चार्ज करोगे तो आपके ब्लूटूथ में दिक्कत आने के चांसेस हो सकते हैं, पर ऑब्वियसली आपको बोट के ऊपर भरोसा है, 1 ईयर की वारंटी है। कुछ भी दिक्कत होगी तो आप डायरेक्टली आप बोट के स्टोर रूम में जाके कॉन्टैक्ट करके उनको आप ये कर सकते हो।
तो मुझे इसमें एक ये बात अच्छी लगी कि इसको जब हम लोग टाइट करते हैं ये सील को, तो इसको बहुत दिक्कत होती है टाइट करने में, तो भी कोई बात नहीं, ये वाटरप्रूफ है, इसके लिए इन्होंने दिया हो सकता है। इसको काफ़ी नज़दीक से देखेंगे तो देखो, इसको टाइट करने के लिए आपको बहुत प्रेस करना पड़ता है। ओके, तो अभी हम इसकी चेक करेंगे साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी चेक करने के बाद आप मुझे बता देना इसका साउंड कैसा है और डज इट एक्चुअली ये वर्थ है कि नहीं। तो अभी आपको ये बोट स्टोन ग्रेनेड की साउंड क्वालिटी पता चली होगी, तो अभी आप ये परचेस कर सकते हो। इसकी मैंने आपको MRP बताई, इसकी MRP है 3990, पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास है इसका बिल जो मैंने इसको परचेस किया है 1450 में। आप भी जाके इसको अमेज़ॉन में परचेस कर सकते हो क्योंकि अमेज़ॉन पे अभी उसका सेल चल रहा है। इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 50% में डाउन हो चुकी है, तो मुझे तो लगता है कि ये स्पीकर मुझे बहुत अच्छी तरह काम पे आने वाला है। अगर मैं ट्रैवल पे जाता हूँ या मैं किसी जगह पे घूमने जाता हूँ तो ये स्पीकर मुझे बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो अगर आप म्यूज़िक सुनने के शौकीन हो, आप डांसर हो या आप रैपर हो, उसके लिए आप बीट के यूज़ करते हो, तो ये स्पीकर बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अगर आप ट्रैवल पे भी जाते हो तो आपको ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है बाबा, तो आप इसको यूज़ कर लेना। इसका रिस्पॉन्स तो मुझे तो लगता नहीं कि इसमें कुछ होने वाला है, तो आप भी इसे परचेस कर सकते हो। मैंने आपको बताया अमेजोन पे जाके इसको ले लेना। तो ये प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हो। और अभी तक का आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये आप मुझे बता देना, और आपने मेरे लास्ट के वीडियो भी नहीं देखे होंगे तो आप मेरे अकाउंट में जाके उसे देख सकते हो। और यार, आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, मेरे वीडियो पे व्यूज़ थे पर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं आते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक भी अगर मुझे आता है तो मेरे लिए मेरी मेहनत का फल होता है। तो मेरी आने वाली वीडियो में आपको ऐसे ही ज्ञान बांटते रहूँगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।